क्वेश्चन नंबर टू में 2 अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन 2 की होल पावर 5 है, ठीक है ना। दो टर्म के बीच में माइनस का साइन है, डिफरेंस है, तो चीज के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या a माइनस बी होल पावर है। ओके क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा a पावर n माइनस एन सी वन ए पावर n माइनस वन बी पावर 1 प्लस एन सी टू ए पावर n माइनस टू बी पावर 2 प्लस लास्ट वाली टर्म पे आ जाइए बच्चों माइनस बी पावर n। क्लियर हुआ। अब क्योंकि यहां बच्चों पावर 5 है तो हमारे पास केवल 6 टर्म्स होंगी, है ना, और हम जो एक्सपेंशन करेंगे 5 पावर तक, तो इसे कुछ ऐसे लिख पाएंगे। ए पहचान पा रहे बच्चों, यहां ए क्या है 2 अपॉन एक्स जबकि बी क्या है एक्स अपॉन 2, तो आप ऐसे लिख पाएंगे 2 अपॉन एक्स की होल पावर 5 माइनस 5 सी 1 2 अपॉन एक्स की होल पावर, इन दोनों का डिफरेंस लेना हमें 4 एक्स अपॉन 2 प्लस 5 सी 2 2 अपॉन एक्स की होल पावर 5 और 2 का डिफरेंस 3 जबकि बी की पावर बी है यहां एक्स अपॉन 2 की होल पावर 2 माइनस 5 सी 3 2 बाई एक्स की होल पावर, इन दोनों का डिफरेंस 2 जबकि एक्स अपॉन 2 की होल पावर 3 प्लस 5 सी 4 2 अपॉन एक्स की होल पावर 1 जबकि एक्स अपॉन 2 की होल पावर 4 हो जाएगी, अब प्लस सॉरी माइनस एक्स अपॉन 2 की होल पावर 5। ओके क्लियर है। अब बस इसे सॉल्व करना है बच्चे, ये हो जाएगा 32 अपॉन एक्स पावर 5, 2 पावर 5 32, 5 सी 1 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16 अपॉन एक्स पावर 4 एक्स अपॉन 2। ऐसा करते हैं बच्चे, डॉट लगा के चलिए, 5 सी 2 5 अपॉन 2 और 4 अपॉन 1 8 अपॉन एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर अपॉन 4। देखिए बच्चों ये 5 सी 3 है, इसमें ये फॉर्मूला लगाइए कॉम्प्लीमेंट एन सी आर इज इक्वल टू होता है एन सी एन माइनस आर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों 5 सी 2 है ना, जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 5 सी 2 हो जाएगा। अब 5 सी 2 को हम लिख पाएंगे 5 अपॉन 2 और 4 अपॉन 1 इन टू 2 की पावर 2 4 और x की पावर 2 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 8। ऐसी बच्चों यही फॉर्मूला कॉम्प्लीमेंट वाला यहां भी लगाएंगे तो हो जाएगा 5 सी 1 और 5 सी 1 5 अपॉन 1 हो जाएगा, और या 5 ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं रेशो की फॉर्म में सॉल्व कर रहा हूं इसलिए ऐसा आया, ठीक है ना। इसे हम 5 सी 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो रेशो की फॉर्म में लिखा मैंने 5 अपॉन 1 और ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स इंटू एक्स पावर 4 अपॉन 16 और ये हो जाएगा बच्चों एक्स पावर 5 अपॉन 32। अब इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा बच्चों 32 अपॉन एक्स पावर 5, ये 8 टाइम्स कैंसिल हो गया और इस एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 40 अपॉन एक्स क्यूब। क्लियर हो पा रहा है बच्चों को, भाई एक्स पावर 4 है यहां एक्स पावर 1 है तो एक्स क्यूब बचा जबकि इनके मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो जाएगा। ऐसे यहां ये 4 से 4 कैंसिल हो गया और इस 2 से ये 4 टाइम्स, तो ये हो गया 20 और यहां एक्स स्क्वायर है और ये एक्स क्यूब है तो सिर्फ एक्स बचा, तो प्लस 20 अपॉन एक्स। क्लियर हो गया होगा बच्चों को, भाई एक्स पावर 2 है यहां एक्स पावर 3 है तो सिर्फ एक्स पावर 1 ही बचेगा और इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 4 20। उससे आगे बढ़ जाइए बच्चों, तो इसे आप कैंसिल करें तो ये 2 टाइम्स, 2 से 8 को 4 टाइम्स और ये 4 से 4 कैंसिल, सिर्फ नंबर में 5 बचा। लेकिन अगर हम x की बात करें तो यहां x स्क्वायर है और यहां x क्यूब है तो सिर्फ x बचेगा, तो इसका मतलब माइनस 5x। ओके अब इसके बाद इसकी बात करते हैं बच्चे, तो ये हो जाएगा इससे कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स
बचा क्या 5 अपॉन 8 नंबर में, और ये x पावर 4 है, x पावर 1 है, तो यहां x क्यूब बचेगा, और लास्ट राइट टर्म में ये है x पावर 5 अपॉन 32।